हैं तो आप पंचम, लेकिन गाते हुए खरज का इस्तेमाल करते हैं, इसकी कोई खास वजह? एक्चुअली मैं प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जब भी गाता हूँ कुछ ना कुछ एक स्टाइल बनाने की ट्राई करता हूँ, कुछ एक अलग तरीके की आवाज निकले, जैसे महबूबा 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 जैसा गाया हमने, फिर हमने अपना देश में गाना गाया था वो गर्गलिंग वॉइस में गाया था, फिर ट्रेन में भी गाना गाया था, लास्ट मुझे याद है कि गाना जो किया था रफी साहब के साथ में गाया था वो यम्मा यम्मा जो गाना किया था वो जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन मेरा वॉइस ठीक नहीं था, मतलब गला खराब था। अच्छा। तो रवि साहब ने कहा कि कोई बात नहीं आज शूटिंग के लिए गा दो, हाँ। बाद में हम डब करेंगे, कोई हाँ। चिंता मत करो। तो शूटिंग के लिए गा दिया, तो शूटिंग हो गया, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के ऊपर पिक्चराइज हो गया, हमने देख भी लिया। जब रिकॉर्ड रिलीज का टाइम आया, बोले कि रवि साहब को कहा कि वो रिकॉर्ड रिलीज हो जाएगा, मैं बेसुरा गाया हूँ तो प्लीज ये, हाँ जरूर एक डेट फिक्स करते। लेकिन कमाल हो गया, इट्स अ सच अ सैड थिंग कि वो गा नहीं पाए, वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो गुजर गए। तो वो वैसे के वैसे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।